हाय गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन कैलिस्थेनिक्स। आज हम एक बहुत प्यारी वीडियो आपके लिए लेके आए हैं, मास्टर द स्क्वाट्स। स्क्वाट बहुत कॉमन एक्सरसाइज है, सबने सुना है, सबने करी है। हर लेग वर्कआउट में एक्सरसाइज आपको मिलेगी। आप किसी भी ट्रेनर या किसी भी यूट्यूबर को अगर फॉलो करते हो तो स्क्वाट तो देखो आपने करी है ना। तो इस चीज़ में आपको एक्सपर्टीज अगर लानी है तो वो आप कैसे लाओगे? वो आप स्क्वाट पे कंट्रोल गेन करके लाओगे। तो इस वीडियो में हम आपको तीन चीज़ें देने वाले हैं, बिगिनर, इंटरमीडिएट एंड एडवांस। जो बिगिनर पे है वो बिगिनर को करेगा, उसके बाद इंटरमीडिएट तक पहुंचेगा, फिर इंटरमीडिएट करके एडवांस तक पहुंचेगा। तो सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, स्क्वाट्स के टारगेट मसल्स क्या हैं? हैम्स, क्वाड्स, कार्ब्स एंड आपके ग्लूट्स। ग्लूट्स मतलब हिप्स। तो वेदर इट्स अ मेल और अ फीमेल, आपको स्क्वाट्स तो अपने वर्कआउट में चाहिए। अब हम अलग क्या बताने वाले हैं इस वीडियो में? भाई देखो, बहुत लोग ये दिक्कत फेस करते हैं कि भाई 3-4 स्क्वाट्स हो गए उसके आगे नहीं हो पा रहे, या फिर नॉर्मल स्क्वाट्स हो गए आप उसके आगे, मैं एक्सप्लोसिव स्क्वाट्स नहीं कर पा रहा, मैं पिस्टल स्क्वाट्स नहीं कर पा रहा। तो भाई यही सॉल्यूशन है आपका। सबसे पहले हम करेंगे द बिगिनर रूटीन। आप अपने फोन को साइड में रखो और मेरे कमांड को साथ साथ फॉलो करना। स्टार्ट। तो अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए सबसे पहले आप मारोगे बेसिक स्क्वाट्स, कुछ इस तरीके से, पूरे कंट्रोल के साथ मारो। आपके जो अपने पैरों के बीच में डिस्टेंस रखना है वो नॉर्मल रखना है, कुछ इस तरीके से आराम से मारो, बिल्कुल कंट्रोल फॉर्म में। फिर 90 डिग्री पे अपना होल्ड कर दो, बिल्कुल इसी तरीके से होल्ड होना चाहिए, कमर वमर नहीं मुड़नी चाहिए बिल्कुल भी। उसके बाद थोड़ा और नीचे जाके जाने की कोशिश करो, डीप जाके हल्का सा फिर से होल्ड करो, उसके बाद वापस ऊपर आओ 90 पे फिर से होल्ड करो, एंड वापस ऊपर थोड़ा सा और एक और होल्ड करो, एंड देन वापस स्ट्रेट, एज सिंपल एज दैट। ये करने से आपने बेसिक स्क्वाट्स पे अपने कंट्रोल एक्वायर कर लिया है। अब आप ग्रिप को कर दोगे थोड़ी सी वाइड, पैरों को वाइड करा और इस तरीके से सुमो स्क्वाट पे सेम चीज रिपीट करनी है। 90 डिग्री गए, होल्ड करा, यहाँ आपकी बॉडी शेक करने लग जाए, कुछ भी हो जाए करना आपको अच्छे से ही है, देन वापस ऊपर होल्ड एंड देन वापस सीधे, देन रिपीट इट। थोड़ा सा नीचे गए होल्ड, फिर 90 पे होल्ड, फिर वापस ऊपर होल्ड एंड देन पूरा सीधा। तो ऐसा करने से बहुत सारे फायदे होंगे, क्योंकि भाई होल्ड एक्वायर करने का ही सारा रूल है। जहाँ जहाँ आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है वहाँ वहाँ आप होल्ड को खुद से भी ऐड कर सकते हो। थोड़ा सा क्रिएटिव हो, जैसे ही हो जाए उसके बाद करो वॉल सेट। वॉल सेट में आपको एक वॉल चाहिए, सिंपल वॉल नहीं है तो इस टाइप का प्लेटफॉर्म भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। होल्ड करो अपना और यहाँ हो जाएगा आपका बिगिनर रूटीन खत्म। ये आप फॉलो करोगे कम से कम नहीं तो 10 से 15 दिन। जहाँ बहुत ज़्यादा ईजी लगने लग जाए मूव ऑन टू योर इंटरमीडिएट रूटीन, एज सिंपल एज दैट। तो अब बात करेंगे इंटरमीडिएट रूटीन की। तो इंटरमीडिएट रूटीन में आपको क्या करना है मैं बताता हूँ, कमांड फॉलो करना। स्टार्ट। सबसे पहले आप मारोगे एक सिंपल स्क्वाट, इस तरीके से सिंपल स्क्वाट मारा जो बिगिनर में भी आपने करा, ठीक है। अब इसमें आप ऐड करोगे जंप इस तरीके से, उसके बाद आप इस जंप को भी सेकेंड लेवल पे लेके जाओगे, एक ऊंचे सरफेस पे मार के इस तरीके से जंप मारी, एंड देख एक स्क्वाट ऊपर मारा, एक स्क्वाट वापस जमीन पे मारा, सिंपल। इसके बाद आप करोगे ऑल्टरनेट स्क्वाट, क्योंकि एडवांस के लिए भी तो तैयार होना है ना फिर आपको भाई। तो इस तरीके से मारो दोनों साइड से कंट्रोल फॉर्म में, इसी तरीके से पैर वैर नहीं मुड़ने चाहिए नहीं तो बेकार हो जाएगा मामला। इसके बाद फिर से जंप स्क्वाट मारो, क्योंकि बॉडी को हिट भी तो देनी है ना, तभी तो आप उसके और डिफिकल्ट चीज़ के लिए तैयार हो पाओगे। और यहाँ आपका इंटरमीडिएट कंट्रोल रूटीन हो जाएगा खत्म, सिंपल। तो अब हम बात करेंगे एडवांस कंट्रोल रूटीन की। इसमें वो चीज़ें ऐड होने वाली हैं जो हमने टुकड़ों में आपको सिखाई थी, फॉर एग्जांपल पिस्टल स्क्वाट, सीसी स्क्वाट और लक्ष्य। तो इसको आप फॉलो करो कमांड मेरा लक्ष्य की जगह, जो आपका दोस्त मिल जाए या कोई वेट हो आपके पास उसको रख डालो, कोई दिक्कत नहीं, बेसिकली एडवांस करनी है चीज़ें हमें। तो स्टार्ट करेंगे हम सीसी स्क्वाट से, इस तरीके से मारो, कोशिश करो साइड में एक प्लेटफॉर्म हो जिससे आप सपोर्ट ले पाओ, क्योंकि भाई इंजरी कभी भी हो सकती है, सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, फॉर द सेफ साइड रखो इस तरीके से। सीसी मारा, उसके बाद आप उसी सर्विस पर चढ़ जाओ और पिस्टल स्क्वाट अटेम्प्ट करो, फ्लैट ग्राउंड पे भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। पिस्टल मारा उसके बाद, और अब आप करोगे अपनी वो प्रो वाली चीज, अपने दोस्त को अपने कंधे पे बिठा लो और इस तरीके से मस्त स्क्वाट मार दो। तो यहाँ आपका एडवांस कंट्रोल रूटीन हो चुका है खत्म। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आपको पता है आपको कहाँ है, कमेंट बॉक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब आप ही का तो है, तो करो ना, क्या दिक्कत है। अब मैं चाहूँगा आप ये वीडियो चेक करो,
फिर ये प्लेलिस्ट चेक करो, यहाँ पे सारे कंट्रोल मास्टर योर पुल अप पुश अप स्क्वाट सब यहाँ पे मिल जाएगा आपको। उसके बाद ये वीडियो चेक करो, फिर ये वीडियो चेक करो, अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।